भारत में हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के चुनाव होते ही रहते हैं, जिसको जीतने के लिए नेता लोगों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बड़े चुनावों में तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब स्टूडेंट्स यूनियन के चुनावों में भी ऐसा होने लगा है, जिसका सफल उदाहरण है आज राजस्थान में कुछ छात्रों द्वारा वोट मांगने के लिए अजीबोगरीब हरकत करना। दरअसल आज राजस्थान के भरतपुर जिले में कई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में छात्र संघों के चुनावों की वोटिंग हो रही है, जो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। जिले में कुल 12 कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे, जिसमें मुख्य मुकाबला महारानी श्री जया यानी MSJ कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के बीच है। इस दौरान कैंडिडेट्स ने वोट मांगने के लिए कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल कैंडिडेट्स लड़कियों के पैर पकड़कर वोट देने की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। वह प्रत्याशी छात्र छात्राओं के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर वोट मांगते रहे और कहते रहे, हमारा आखिरी सहारा तुम ही हो। इतना ही नहीं, लड़कियों के पैर तब तक पकड़े रखा जब तक उन्होंने वोट देने का वादा नहीं किया। बता दें कि यह तीन लड़के जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, यह ब्रिज यूनिवर्सिटी के तीन कैंडिडेट हैं, जो मैदान में वोट देने के लिए पैरों में गिरकर वोट मांग रहे हैं। बता दें कि यूनिवर्सिटी में एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में लगभग 6 लाख छात्र छात्राओं को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण राजस्थान में छात्र संघ चुनाव 2 साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं, जिसके बाद छात्रों में जीतने का उत्साह काफी नजर आ रहा है, क्योंकि वोट के लिए कई लड़कियों के पैर पकड़े जा रहे हैं तो कहीं दंडवत प्रणाम करते हुए दिख रही हैं। वहीं वोटों की गिनती शनिवार को शुरू हो जाएगी, तो देखना भी यह होगा कि छात्र संघ के चुनाव में कौन बाजी मारता है और आपको उनके वोट मांगने का तरीका कैसा लगा, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।